अभी हम पहुंच चुके हैं भोजपुरी के बेदाद बादशाह गोपाल राय जी के पास और इनसे कुछ खास बातचीत होगा और वो आप लोगों को हम दिखाने का काम करेंगे। तो पहले तो आपका मेरे चैनल आज की दुनिया में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आज आज की दुनिया हाँ। चैनल बाटे के देखे वाला सारा दर्शक गण के बहुत बहुत स्वागत। तो गोपाल राय जी, आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि भोजपुरी के आप बेदाद बादशाह हैं और अभी भी आप हैं और अभी भी आपका लगातार गाना आता रहता है और चाहे कितने भी कलाकार आ चुके हैं लेकिन आपका गाना और डंका बजता रहता है, इसका आखिर कारण क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, सवाल तो ठीक है बताहर, बेताज बादशाह उषा हमना है, एगो साधारण गवैया है और बड़ी ईमानदारी से 25-30 साल से गाना गावो तनी जा। जितना ईमानदारी से पहले गाई उतने ईमानदारी से आज भी गावो तनी। और जमीन से जुड़ल, समाज से जुड़ल गीत हमने के गाई ले जा। एकर कारण बटे कि लोगन के प्यार जितना भी मिलता ठीक बा। ये तो मतलब राहुल बड़प्पन बा कि रउआ इतना बड़ होके भी भोजपुरी में और जमीन से जुड़ल बोलता नहीं। ना तो आजकल जौन छोटा मोटा कलाकार भी आवता रहन, दूगो गाना हिट नहीं खे हो जात तो वो अपना आपके बड़का कलाकार कहे लगत रहन, नहीं पगा कहल चाहता नहीं। अब बड़का कलाकार कहतन तो ये लोग के बात बहुत हमका कह सकेला। अच्छा चली, तो राउर जौन भी पहले के जौन गाना हिट हिट रहे जैसे नदी बीचे नैया वाला और सब, इत थोड़ा दो शब्द गुनगुना सकी ना? कैसे कि राउर गाना बहुत हिट चलल रहे। हाँ, एगो जमाना रहे, एगो दौर रहे। अरे चले लू डहरिया त नदी बीचे नैया हिलोर मारे, चले लू डहरिया त नदी बीचे नैया हिलोर मारे, करी है आए गोरी हिलोर मारे, करी है आए गोरी हिलोर मारे। ये गाना आपका अभी भी कोई सुनता है तो अभी भी वो वाला पुराना दौर याद आ जाता है और आपने इस पे नदी बीचे नैया हिलोर मारे तू भी गाना निकाला था, ये गाना भी अच्छा खासा चला था और सबके मन और दिलो दिमाग में रहता है ये गाना कहीं ना कहीं। और तो लोगन के डिमांड बना जो हम गाना चल गए। अब जैसे हिलोर मारे बा या जो एल्बम रहे मन से धुआ भागल, तो धोबी गुणऊ पखाउस डफरा हर तरह के गीत पहले कैसे ठोके था, आठ गाना के वो एल्बम रहे, तो मैं रहलन से गीत चूंकि अब भी लोग ऐसे सुनेला वो गीतन के। और आज ही ना हमरा लगता जले भोजपुरी रही लोक संगीत आई भाषा तल तब तक लोग सुने ऐसे कि लोक संगीत के धुन जो इतना मीठा होला ना वो कभी भी लोग सुनेला। लेकिन आज जवन भोजपुरी में दौर आ गेल बा और नया नया कलाकार जवन दौर लिया दिल बन, हमेशा बात विवाद होकत रहेला बेमतलब के, ए पे कुछ दू शब्द रहुआ बोले के चाहे बोले के पड़ी, कैसे कि रहुआ भोजपुरी के भीष्म पितामह बनी एक तरह से देखल जाऊ। तो देखो कोनो भी परिप्रेक्ष्य में चाहे भोजपुरी गीत संगीत होके, चाहे लोगन के रहन सहन होके, चाहे राजनीतिक मामला होके, हर चीज में बदलाव आवेला। बात समझ तर की ना? अब देखो लोगन के पहनावा में कितना अंतर आ गई बटे, पहले बेलबाटम आदमी पहरे चाकर मोह वाला, अब जीरो मोहन था, लड़की समी सलवार पहनन सब, मेहरारू साड़ी, अब लड़की जींस पहन तैसे टी शर्ट पहन तैसे, तो कहल जाता कि समय के हिसाब से चले के चाहे। तो उस समय में परिवर्तन होत रहला तो वो हिसाब से ही गीत संगीत में भी परिवर्तन आयल बटे। लेकिन बदलाव ऐसा हुए कि चाहे जाना से और नाम ऊपर जाओ लेकिन कहीं ना कहीं कलाकार आपस में लड़ के मतभेद कह के इका करते रहेंगे। अब के लड़ता काहे लड़ता हम ही कुल देखी ला ना जानत नहीं, ऐसे कोनो सरोकार भी हमार ना रहेला, कौन कलाकार बाजी गई बटे आ के लड़ता हम ही कुल देखबे ना करी ना सुनीला, ऐसे ओकरा पर हम कही कर सकीला। अच्छा चली, कोनो बात नहीं है लेकिन भोजपुरी में ये बहुत तगड़ा मैटर चलेला और हमेशा कुछ ना कुछ दिन पे ऐसा कुल बवाल होत रहेला, लाइव आके अपना में पटका पटकी होता। गाना बजाना में कैसन बवाल, अपन गाना गावे के बा हमारा, कोनो भी कलाकार के अपन गाना गावे के बाटे
ओकर सुने वाला हर कलाकार के अलग अलग लोग बने, अलग अलग फॉलोअर बने, तो लोग ओकरा के पसंद करे वाला करत अच्छे। अब एमे झगड़ा गावना बात के बा, वो सबके जमाना में चलत रहे कि राउर गाना और केनो ब्यास गा दिहलन, चाहे ओकरा में तो ओकरा के प्यार से समझावल जात रहे, चाहे ओमे समझावे समझे कोनो बाते ना होत रहे, लेकिन एजा केहू के गाना केहू गा दे तो हल्का फुल्का उसे मिलता जुल तो बस लड़ाई शुरू। एकर गाना आज चाहे कालापन रहे, राइटर जोन बाड़े कुछ पहले तो रहलन की शोध होत रहे कि धुन हे तरह के बनावल जाओ, हे तरह के मैटर बा तो ओकरा हिसाब से धुन बने। बहुत बढ़िया बढ़िया कुल संगीतकार और गीतकार रहले जो पहले, और ज्यादातर तो भोजपुरी लोक संगीत के फोक धुन जोन बाने सर। आज के कलाकार या पहले के भी हमहू बानी तमनी के फोके के गाइल जा, कौन ऐसा नया गा देता, कौन की कोना के चोरी होता, कोनो जो गवले बा पहला बेर तुम खुदे चोरी कैले बा, वो भोजपुरी के अपन माटी के भाषा के धुन ह, कौन पैदा करता ना कलाकार धुन आ क्यों कर चोरी होता। यह बात और सही बा, लेकिन इस सब कलाकार ही बतिया समझतम तो और बढ़िया, कलाकार खूब समझत रहनी, जितना अनपढ़ आ गवार कलाकार बन वही लोग के बात बुझात नहीं के। हाँ हाँ, ये बात सही बात है, लेकिन रउआ से चली बात करके बहुत अच्छा लागल, लेकिन जाते जाते हमनी के दर्शक खातिर एगो अपना स्वर बिंदु में थोड़ा बढ़िया से कोनो गाना सुना दे कि हमनी के दर्शक के मिजाज खुश हो जाए। ये तो दिक्कत में तबियत ठीक बा ना, घर फसर हता जाल ला। अच्छा, कोनो देवी जागरणे वाला कोनो गीत सुना दे याद आवत होके तो। हाँ हाँ, चलत अब तो सावन के अंतिम टाइम बाटे। हाँ। और पूर्णमासी काल बाटे। हाँ। तो भगवान शंकर के ही दो लाइन सुना देते जी जी। और कही विश्वनाथ कही अमरनाथ, कही विश्वनाथ कही अमरनाथ, कही पशुपतिनाथ निराले गए, कोई और नहीं ये तो अपने ये बाबा डमरू वाले हैं, कोई और नहीं ये तो अपने ये बाबा डमरू वाले हैं। चलिए रवा का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना टाइम देने, अपन कीमती टाइम हमने खाती एक खाती, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।